अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है एजाइल डेवलपमेंट के अंदर फेजेस। ठीक है, एजाइल डेवलपमेंट के फेजेस क्या हैं? अच्छा देखो, ये जो फेजेस हैं, ठीक है, ये आपको उसी तरह के फेजेस लगेंगे जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था, ठीक है, उसके जो फेजेस हैं एजाइल के भी फेजेस कुछ उसी तरह के हैं। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अब देखो, फेजेस इन एजाइल, पहला फेज क्या है? कॉन्सेप्शन, इनिशिएशन, एनालिसिस, मतलब रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। सही है, मतलब आपके पास जिस तरह एसडीएलसी के अंदर पहला फेज क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस। तो सेम उसी तरह आपके पास एजाइल के अंदर भी पहला फेज क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। लेकिन एजाइल का ये जो पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, इसके अंदर तीन सब फेजेस हैं। ठीक है, सब स्टेजेस आप कह सकते हो। मतलब रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अंदर एक आता है कॉन्सेप्शन, एक आता है इनिशिएशन, फिर आता है एनालिसिस। मतलब ये तीनों सब फेजेस हैं किसके? रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। फिर देखो, सेकेंड आता है डिजाइन, मतलब जो हम डिजाइन बनाते हैं। सही है, फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन, मतलब वो जो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। सही है, हमने डिजाइन बना लिया जिसके अंदर वो डीएफडीज, ईआर डायग्राम वगैरह बनती हैं, सिस्टम के मॉडल वगैरह बना के उसके बाद जब उनकी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, उनका यूआई, उनकी डेवलपमेंट, उनकी डेटा एक्सेस लेयर पे जब काम करते हैं, तो ये सारा काम हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, फिर उसमें क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के भी डिफरेंट फेजेस हमने पढ़े थे ना, यूनिट टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग और बहुत सारी टेस्टिंग की टाइप्स थी। ठीक है, फिर टेस्टिंग के बाद फाइनल में आ जाता है आपका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब जब आप कस्टमर को, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर की कंपनी में जब आके आप डिप्लॉय करते हो, मतलब जब कस्टमर उसको यूज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो ये इसके कुछ फेजेस हैं। अब देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इवन दो द एजाइल फेजेस मे लुक सिमिलर टू वॉटरफॉल मॉडल एसडीएलसी, मतलब वॉटरफॉल मॉडल के अंदर ये जो हमने, मतलब एसडीएलसी एक कॉन्सेप्ट है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर ये सारे फेजेस आते हैं, और वॉटरफॉल मॉडल जो फॉलो करता है फेजेस, वही फेजेस आपको एजाइल फेजेस में भी मिलते हैं। मतलब दोनों सेम है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखने में तो ये सेम लग रहा होगा, मतलब उसी तरह लग रहा होगा जिस तरह वॉटरफॉल के अंदर हमने फेजेस देखे थे, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वो डिफरेंसेस क्या है? मतलब एजाइल के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वॉटरफॉल, जो पुराने मॉडल थे उनके फेजेस के अंदर नहीं थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट, द की डिफरेंस इज दैट एजाइल फेजेस इनकॉर्पोरेट कोलैबोरेशन। मतलब की डिफरेंस क्या है? तीन की डिफरेंस है, मतलब जो एजाइल के फेजेस के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने फेजेस थे वॉटरफॉल मॉडल के, जो फेजेस थे एसडीएलसी के, जो फेजेस थे, उसमें हम नहीं कर सकते। पहला क्या कह रहा है? कोलैबोरेशन। किसकी कोलैबोरेशन की बात कर रहा है? कस्टमर की। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर जो भी आप एजाइल फेजेस फॉलो कर रहे हो, उन फेजेस के अंदर कस्टमर की कोलैबोरेशन भी होती है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ठीक है, एक ये पॉइंट। और दूसरा, आइटरेशन, मतलब वो जो फेजेस हैं उनको आप बार बार रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था वॉटरफॉल मॉडल में। मतलब वहां पे ना तो कस्टमर की कोलैबोरेशन थी, ना हम फेजेस को बार बार रिपीट कर सकते थे, आइटरेट कर सकते थे। ठीक है, और तीसरा है इंक्रीमेंटल अप्रोच। मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है एजाइल के अंदर, वो इंक्रीमेंट्स में बनता है, पोर्शन में बनता है। ठीक है, इसका मतलब पहला इंक्रीमेंट बनाया, पहला पोर्शन बनाया, उसके अंदर मैंने अपने सॉफ्टवेयर की छोटी सी प्रोटोटाइप बना ली। सही है, वो प्रोटोटाइप मैंने डिलीवर की, फिर मेरे कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिया, उसके बाद मैंने दूसरा इंक्रीमेंट बनाया, उस दूसरे इंक्रीमेंट में मेरा सॉफ्टवेयर बढ़ा। ठीक है, इंक्रीज हुआ, उसकी फंक्शनैलिटी में और इजाफा हुआ। तो ये होती है इंक्रीमेंटल अप्रोच, जो हमें वॉटरफॉल मॉडल जो था और जो ट्रेडिशनल पुराने जो मॉडल थे उसके अंदर हमें नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट,
इन एजाइल डेवलपमेंट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड। मतलब एजाइल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, उसके फीचर्स क्या है सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। फिर न्यू फीचर्स आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ द लाइफ साइकिल आर प्लान्ड अक्रॉस स्प्रिंट्स। अब देखो मतलब ये कह रहा है जो न्यू फीचर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं ना लाइफ साइकिल के दौरान, फेजेस के दौरान, वो हम प्लान करते हैं स्प्रिंट्स के थ्रू। अब ये स्प्रिंट्स क्या है, अब ये नया वर्ड आया है स्प्रिंट्स, इसको समझना। अब देखो अ स्प्रिंट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये क्या है, एक यूनिट है डेवलपमेंट का, ठीक है। इसका मतलब जिस तरह अगर मैं नॉर्मली बात करूं मेजरमेंट के यूनिट्स कौन से होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट्स हैं उसके। तो यहां पे समझ लो ये जितनी भी हम डेवलपमेंट करते हैं स्प्रिंट क्या है, उसका एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ स्पेसिफिक टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड। मतलब देखो स्प्रिंट को क्या कहा जा रहा है, स्प्रिंट को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है। मतलब ऐसा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। स्प्रिंट को क्या कहा जा रहा है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है जिसके अंदर मुझे अपना टास्क हर हालत में कंप्लीट करना है और अपने कस्टमर को डिलीवर करना है ताकि वो उसका रिव्यू कर सके, उसका फीडबैक दे सके। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, स्प्रिंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्प्रिंट डिपेंड्स ऑन द फीचर टू बी डेवलप। मतलब मैंने क्या बताया, स्प्रिंट के अंदर टास्क होते हैं और वो टास्क कब कंप्लीट होंगे उनका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है आपके पास अलग अलग स्प्रिंट्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हर स्प्रिंट का ड्यूरेशन किसके ऊपर बेस करता है, उसके फीचर के ऊपर बेस करता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ फीचर बड़े होते हैं तो उनके लिए स्प्रिंट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा, और कुछ फीचर्स आपके पास छोटे होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो मैं स्प्रिंट्स बनाऊंगा उनका टाइम पीरियड कम होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट, ईच स्प्रिंट गोज थ्रू ऑल द फेजेस। मतलब एक स्प्रिंट है, स्प्रिंट मतलब एक टास्क है जिसका मैंने एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है। अब वो जो स्प्रिंट है ना वो सारे फेजेस से गुजरता है। मतलब वो पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस से गुजरेगा, फिर डिजाइन में जाएगा, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यही स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट एक फिगर से आपको समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास यही फेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट। तो देखो मेरे पास एक टास्क है, सही है, और उस टास्क का फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन मैंने कितना डिसाइड कर लिया, 15 डेज। मतलब ये जो टास्क है ये 15 डेज, मतलब इस टास्क को कंप्लीट होने के लिए मैंने कितना टाइम सेट कर दिया, 15 डेज के भाई। और ये डेज फिक्स्ड हैं, मतलब मैं इनको फिर चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसी टाइम ड्यूरेशन में अपना ये टास्क कंप्लीट करना है। तो जब मैं एक टास्क बनाऊंगा और उसको उसका फिक्स टाइम ड्यूरेशन जब मैं सेट करूंगा, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट। मतलब इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट, ठीक है। मतलब एक टास्क है और वो टास्क कितने डेज में कंप्लीट होगा और रिव्यू के लिए जाएगा कस्टमर के पास, ठीक है, तो इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जरूरी नहीं है एक स्प्रिंट के अंदर एक ही टास्क हो, एक से ज्यादा टास्क भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंट के अंदर 3 टास्क हैं और वो तीनों 15 दिन के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है स्प्रिंट। मतलब स्प्रिंट एक टास्क का भी हो सकता है और मल्टीपल टास्क का भी हो सकता है। और फिर एक और पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो स्प्रिंट है ये सारे फेजेस से होके गुजरता है, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से भी गुजरेगा, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, वो कस्टमर के पास जाएगा रिव्यू के लिए, सही है। एक इसका ये पॉइंट है, सही है। अब आ जाओ ओवरव्यू,
ठीक है, मतलब ये जो फेजेस हैं एजाइल डेवलपमेंट के, इसका कुछ ओवरव्यू है। देखो द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मे डिफर इन द रियल वर्ल्ड, मतलब ये जो हम जितनी भी बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं ठीक है, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, जब हम कोडिंग करते हैं, जब हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं इसका मतलब इंप्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंप्लीमेंटेशन का काम होता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब रियल वर्ल्ड में हम उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से करते हैं, उसकी कोडिंग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन फेजेस वही फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जो पहला फेज है हमारे पास कौन सा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज फॉर एग्जाम्पल मे कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस। मैंने क्या बताया, एजाइल के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, मतलब इसके 3 सब फेजेस हैं, 3 सब स्टेजेस हैं। पहला कॉन्सेप्शन, दूसरा इनिशिएशन और फिर तीसरा एनालिसिस। ठीक है, वेयर द प्रोजेक्ट इज फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज, मतलब इस फेज के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, कॉन्सेप्शन, मतलब आपके सॉफ्टवेयर को के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझा जाता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, फिर इनिशिएट, उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली क्या किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। देखो ये एक सीक्वेंस है, पहले कॉन्सेप्शन है, फिर इनिशिएशन है, फिर एनालिसिस है। इससे भी पहले, कॉन्सेप्शन से भी पहले हमें रिक्वायरमेंट मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसा है उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। आप यही कह रहा है, पहले कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, फिर उसको इनिशिएटेड करते हैं, और फिर उसके बाद उसको फाइनली एनालाइज करते हैं। तो जब ये 3 चीजें हो जाएंगी ना, तो मेरा पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। पहला फेज कौन सा है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पॉइंट, द बेसिक टास्क इन ईच फेज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू वॉटरफॉल मॉडल। मतलब जो बेसिक टास्क है ना, वो वही होते हैं जो वॉटरफॉल मॉडल के फेजेस में यूज होते थे, लेकिन हाउएवर एवरी फेज इज आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। एजाइल के फेजेस के अंदर खास बात क्या है कि वो आइटरेटिव होते हैं और इंक्रीमेंटल होते हैं। आइटरेटिव का मतलब कि उन्हें बार बार रिपीट किया जा सकता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इंक्रीमेंटल का मतलब कि वो पोर्शंस में बनते हैं, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में आपका पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अब देखो पहले फेज की बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर पहला सब स्टेज क्या आता है, कॉन्सेप्शन। अब देखो द कॉन्सेप्शन फेज आल्सो कॉल्ड एज आइटरेशन -1, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर कितने फेज है, कॉन्सेप्शन, इनिशिएशन और एनालिसिस। तो कॉन्सेप्शन का नंबर क्या है, -1, इनिशिएशन का क्या नंबर है, 0, और एनालिसिस का क्या हुआ, 1। तो मतलब यहां पे 1 स्टार्ट हो गया ना, पहला फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो कॉन्सेप्शन का नंबर क्या है, आइटरेशन -1। ठीक है, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम जस्ट उसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तभी उसको -1 से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखो कॉन्सेप्शन किस चीज में हेल्प करता है, कॉन्सेप्शन हेल्प्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है उसकी प्रॉब्लम, मतलब वो सॉफ्टवेयर कैसा होगा, ठीक है, ये सारा काम हम कहां पे समझते हैं, कॉन्सेप्शन के अंदर समझते हैं। दैट लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड एसेसिस अ फीजिबल स्ट्रेटजी फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब देखो जब हमने ये समझ लिया कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। फीजिबल का मतलब आसान, ठीक है, मतलब जब हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझ लिया कॉन्सेप्शन के फेज में कि भाई इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे आसान स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, सबसे फीजिबल स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, सही है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कहां पे, कॉन्सेप्शन के फेज में। फिर आ जाओ द नेक्स्ट फेज, इनिशिएशन। अब देखो इनिशिएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 वीक और सो। अब ये जरा समझना, इनिशिएशन का जो फेज है
ये जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके पहले हफ्ते में ही ये काम होता है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले जितना भी एनालिसिस का काम है उसके अंदर इनिशिएशन का फेज आता है, तो ये काम पहले हफ्ते में ही होता है, ठीक है। और देखो, एंड इज समटाइम्स कॉल्ड आइटरेशन जीरो। आइटरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि माइनस वन के बाद क्या नंबर आता है? जीरो आता है ना। तो कॉन्सेप्शन के बाद अगला क्या है? इनिशिएशन। इसको इसलिए क्या कहा जा रहा है? आइटरेशन जीरो। अब देखो, इन दिस फेज द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब स्टार्टेड, सही है। इस फेज के अंदर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है थ्रू अ फिजिबल स्टडी। याद है फिजिबिलिटी स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था? फिजिबिलिटी स्टडी में तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। कौन सी? कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप बनवा रहे हो वो एक्सेप्टेबल है, पॉसिबल है, अफोर्डेबल है। ये तीनों चीजें हमने फिजिबिलिटी स्टडी में पढ़ी थी, सही है। तो मतलब ये जो इनिशिएशन का फेज है इसमें हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं क्या ये प्रॉपर बन सकता है, मतलब अफोर्डेबल है, पॉसिबल है, ठीक है। ये सारी चीजें हम फिजिबल स्टडी में करते हैं। और फिजिबल स्टडी किस फेज में की जाती है? इनिशिएशन के फेज में की जाती है। एंड वर्किंग विद स्टेक होल्डर्स, मतलब इसी फेज के अंदर हम स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन? वो यूजर जो हमारे सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को यूज करेंगे। टू डिटरमाइन द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक तो फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाती है, मैंने बताया था ना फिजिबिलिटी स्टडी की एंड में एक रिपोर्ट बनती है, सही है। रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और जब हम फिजिबिलिटी स्टडी कर लेते हैं तब हम ये बताते हैं कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसी दौरान हम क्या करते हैं? स्टेक होल्डर से बातचीत करते हैं। तो जब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम करते हैं तो इसका मतलब हमें इनिशियल रिक्वायरमेंट्स मिल जाती है, सही है, कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो इनिशियल स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है वो हमें इसी इनिशिएशन के फेज में मिल जाती है, ठीक है। फिर आ गया एनालिसिस। एनालिसिस फेज इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब जितनी भी चीजें हमने रिक्वायरमेंट गैदर की हैं फिजिबिलिटी स्टडी कॉन्सेप्शन के अंदर जितना भी काम किया उसको एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई किसके अंदर? पहले फेज के अंदर, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा और तीसरा फेज, दूसरा फेज कौन सा है? डिजाइन। डिजाइन फेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डिजाइन स्ट्रेटजीज टू मॉडल द सिस्टम, मतलब कि हमारे सिस्टम का डिजाइन क्या होगा, ठीक है। मैंने बताया था इसके अंदर हम DFDs बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, ER डायग्राम बनाते हैं, और बहुत सारी मतलब डायग्रामेटिकली काम, डिजाइन का जितना भी काम होता है, मॉडलिंग का जितना भी काम होता है वो हम करते हैं डिजाइन फेज के अंदर। फिर आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सारे मॉडल तैयार कर लिए, डेटा किस तरह से फ्लो होगा, एंटिटी रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारा काम कर लिया, अब उसकी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज बिगिंस द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब जो एक्चुअल हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं वो हम इस फेज के अंदर करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ चौथा, टेस्टिंग। टेस्टिंग विल इवेल्यूएट एंड टेस्ट द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स एंड फैक्टर्स, मतलब हर तरह से जब आपने ये इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर ली, कोडिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हो, सही है, और टेस्ट करते हो हर लिहाज से, ठीक है। टेस्टिंग की बहुत सारी टाइप्स पड़ी थी, यूनिट टेस्टिंग, मतलब अगर एक एक मॉड्यूल को टेस्ट करना है सॉफ्टवेयर के, फिर स्ट्रेस टेस्टिंग कि कितना स्ट्रेस मेरा ये सॉफ्टवेयर ले सकता है, जिस तरह स्ट्रेस टेस्टिंग में मैंने आपको मिसाल दी थी, एक वेबसाइट है उसके ऊपर एट अ टाइम कितने यूजर्स एक्टिव हो सकते हैं, एट अ टाइम कितने यूजर्स एक साथ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि वेबसाइट क्रैश ना हो, तो ये स्ट्रेस जब हम वेबसाइट पे डालते हैं तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह के और बहुत सारे होते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, XYZ और 5-6 टाइप्स होते हैं टेस्टिंग के अंदर, और तब जाके हम इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। फिर जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या आता है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज द फाइनल स्टेज ऑफ लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, मतलब टेस्टिंग कर ली, सारी चीजें बिल्कुल ओके हैं, अब आपको ये सिस्टम कहां पे जाके डिप्लॉय करना है? उस कंपनी में जिस कंपनी ने
ये सॉफ्टवेयर आपसे बनवाया है, ठीक है, वहां पे जाके आप डिप्लॉय करते हो, क्योंकि यही आपके पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसका एक ये पॉइंट है। अब देखो ये जो फेजेस इन एजाइल है इसको डायग्रामेटिकली समझाया है। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस का जितना भी काम होता है, ठीक है, फिर थर्ड फेज है डिजाइन एंड डेवलप। अब देखो इसको जरा समझना, जब हम डिजाइन एंड डेवलप करते हैं तो इंक्रीमेंट्स में करते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हर इंक्रीमेंट के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि हर इंक्रीमेंट का साइकिल कितना है 30 डे, मतलब हर इंक्रीमेंट को मुझे 30 दिन में बनाना है, और जब मैं 30 दिन में बनाऊंगा तो मैं हर इंक्रीमेंट को कस्टमर को दिखाऊंगा ताकि वो मुझे फीडबैक दे सके या रिव्यू कर सके, ठीक है, मतलब एक इंक्रीमेंट मैंने दिखाया, ठीक है, 30 डेज में मैंने वो इंक्रीमेंट कंप्लीट किया और किसको दिखाया, कस्टमर को दिखाया, उसने मुझे फीडबैक दिया, उसने मुझे रिव्यू दिया, फिर अगर उसने कुछ चेंजेस मांगी है, अगर उसने कुछ फीडबैक दिया है अच्छा या बुरा, तो उसको मैं अगले इंक्रीमेंट में क्या करूंगा, डिवेलप कर लूंगा, ठीक है। फिर इसी तरह इंक्रीमेंट जब हमारे पास सारे बन जाएंगे, उसे एक सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके टेस्ट करेंगे, टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद हमें एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लाइंट को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी।